हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजी सेल्फ गाइड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास हिकविजन DVR का सेटअप लगा हुआ है, यानी हिकविजन कैमरे का पूरा सेटअप लगा हुआ है और पहले से आप उसे ऑनलाइन देखते थे लेकिन पिछले कई दिनों से आप उसे देख नहीं पा रहे हैं और ऑफलाइन शो हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास हिकविजन के कई सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हिक कनेक्ट एप्लीकेशन है, मैं इसको दिखा देता हूं कि अभी ये ऑनलाइन हो गया है। उसके बाद देखिए IVMS 4500 जो है ये हमारा एप्लीकेशन है, इसमें भी अब जो हमारे कैमरे हैं वो चल गए हैं, ऑनलाइन शो हो रहा है। तो चलिए अब आप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं आप कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं लेकर के चलता हूं अपने डिवाइस के स्क्रीन पे, जो डायरेक्ट DVR से कनेक्टेड है मेरा स्क्रीन, आप देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड जो आपने लगाया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आपको लगाना होगा। मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लिया है, पासवर्ड डालने के बाद सिंपली ओके करना है। अब देखिए मेरा ये ओपन होकर आ चुका है। सिंपली यहां पे कोई भी जो ऑप्शन है इसको कुछ भी नहीं करना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आएंगे, ये इंटरफेस आपको नजर आएगा, इसमें भी कुछ भी नहीं करना। सिंपली आप यहां से नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर आकर के देख लेंगे, यहां भी आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली प्लेटफॉर्म एक्सेस पे आना है। अब आप देख सकते हैं ये जो स्टेटस है ये स्टेटस ऑफलाइन शो हो रहा है, अब इसे ऑनलाइन लाना है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां जनरल पे जाएंगे, यहां पे आपको जो इनेबल DHCP, आप DHCP इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका IP है, आपके राउटर का जो IP है वो उठा लेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा DHCP है, DHCP के साथ जो एक प्रॉब्लम है वो बार बार चेंज हो जाता है, वो आईपी बार बार चेंज ना हो, इसलिए मैंने इसे DHCP पे टिक नहीं किया है। नहीं तो आप चाहे तो DHCP पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं टिक करूंगा देखो वो चेंज हो जाएगा। मैंने उसे टिक कर दिया, टिक करने के बाद यहां से अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद देखो अभी शो हो जाएगा, यहां पे 120 था, यहां पे 101 आ गया। तो ये क्या है ना, DHCP के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जब आप अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे देखना चाहते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, तो वहाँ पे आपको IP याद नहीं रहता है, पता नहीं चल पाता है, आपको बार बार देखना पड़ता है कि प्रेजेंट टाइम पे IP क्या है। तो इसलिए आप यहाँ पे DHCP पर मत टिक करो, यहाँ पे आप अनटिक कर दो और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख लो। जैसे कि मेरा IP एड्रेस जो था पहले से, मैंने सिर्फ वो डाल दिया, ये डाल करके आप यहाँ पे सिंपली मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अब ये अप्लाई हो गया, अब यहाँ से हम जाएंगे प्लेटफॉर्म एक्सेस पे, अभी भी ये ऑफलाइन शो हो रहा है। आपको सिंपली यहाँ से इनेबल करना है, इसको टिक करना है, यहाँ से आपको ये QR कोड वाला ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है, तो सिंपली आप इसे पढ़ करके समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है और यहाँ से ओके करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ओके कर दिया, ओके करने के बाद यह अभी भी ऑफलाइन शो हो रहा है। अब क्या करना है, अब सिंपली यहाँ से हमें कस्टम पे जाना है, कस्टम पे अगर यहाँ पे शो हो रहा है कि dev.ind.hik-connect connect.com, सिंपली यहाँ पे इनेबल को भी टिक करना है, यहाँ कस्टम को भी टिक करना है, और इसमें अगर नहीं लिखा हुआ है तो सिंपली आपको लिखना है dev.ind.hik-connect.com और सिंपली यहां से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही विद इन 5 सेकेंड के अंदर ऑनलाइन हो जाएगा, देखिए सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर ये ऑनलाइन स्टेटस आ गया है। जब ये ऑनलाइन स्टेटस आ गया है तो अब आप सिंपली जो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे जो एप्लीकेशन यूज करते थे, चाहे वो हिक कनेक्ट का हो, चाहे वो IVMS 4500 हो, IVMS 4500 HD हो, व्हाटएवर जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते थे, कई सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन पे आप उसे चला सकते हैं, मैं आपको चला करके भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।